प्रदेश में मॉनसून की दस्तक से जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। मॉनसून की भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी तबाही हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड, गाड़ियों के दबने, बादल फटने व बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। सड़कें बंद हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान को लेकर विभाग से बातचीत की गई है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में हुआ है, जिसको लेकर मंडी में बीते कल बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला में हुए नुकसान का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत लोग अपनी दिक्कतों सहित सुझाव भी साझा कर रहे हैं। देखिए, इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगातार मैं अपने जो हमारे डिपार्टमेंट के ENCs है, चीफ इंजीनियर्स है, उनसे बात कर रहा हूँ। पिछले कल ही हमने इसकी बैठक जो है वो खास करके मंडी जिला की रखी थी, क्योंकि ऐसा अनुमानित था कि मंडी जिला में बहुत नुकसान जो है वो इसकी वजह से हुआ है। कई सड़कें जंजैली क्षेत्र में, सिराज में बंद है, और क्षेत्र में भी चाहे वो चंबा के कुछ इलाके हैं, चाहे वो शिमला के कुछ इलाके हैं, तो हम लगातार उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। बहुत सी सड़कें खोली जा चुकी है, मगर तब भी अभी थोड़ी सी सड़कें रह गई हैं जो अभी तक बंद है। उसके ऊपर मशीनें लगी हुई है, JCBs लगी हुई है, एक्सकवेटर्स लगे हुए हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट उस पर पूरे तरीके से कार्य कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट से भी, पुलिस प्रशासन से भी हमारा पूरा तालमेल है, और जहां पर भी हमको कोई फीडबैक मिलता है, हमने एक हेल्पलाइन भी जारी करी है, और उसमें भी बहुत लोगों के उसमें सुझाव भी आए हैं, और जो दिक्कतें परेशानी लोगों को झेल रहे हैं उसकी तस्वीरें भी उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के साथ साझा करी है। तो उसके ऊपर भी हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और बरसात है तो कभी ना कभी जो है इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, मगर उस पर पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स डिपार्टमेंट अपनी ओर से ले, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है।